विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणानी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वीएल सामुदायिक भवन में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाघ, तेंदुए और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री बहुगुणा ने पशुओं के लिए उपलब्ध दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के पशु चिकित्सा को और बेहतर बनाने के अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार से राजेंद्र खंतबाल की रिपोर्ट। के अंदर मैंने सीईओ को बोला है कि आप शासन में भेजिए ताकि हम उसमें कुछ नई व्यवस्थाएं और खड़ी कर सकें उसमें सरकारी अस्पताल में। मैंने अधिकारियों की यहाँ पे समीक्षा बैठक भी ली है आंचल की, फिशरीज की और हमारे सीईओ पशुपालन विभाग की। कुछ कमियां दिखी हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर दूध जो है आंचल को कम मिल रहा है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ हम लोगों को प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे, कुछ हमारी व्यवस्थाएं और ठीक करनी पड़ेंगी, तो हमने उनको कुछ आदेश दिए। पशुपालन विभाग ने कुछ अच्छा काम हमारा हुआ है, चाहे वो कुकुट वैली हो। नगर निगम के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर थी, कन्फ्यूजन ही कह लीजिए, जिसमें माननीय विधायक जी काफ़ी चाहते थे कि जो नगर निगम क्षेत्र है उसके अंदर भी कोट वैली और कुकुट वैली के लोगों को हम लोग जोड़ा जाए उससे, और अधिकारियों को थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर हो सकता है कि नहीं, लेकिन आज मैंने उनको ये आदेश दिया है कि आप नगर निगम के अंदर भी कोट वैली और कुकुट वैली के बात का कार्यक्रम हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया बीएल के ऑडिटोरियम में, और इसके राजगौरव हमारे संयोजक थे। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ पशुपालन मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी भी यहाँ पर थे और उन्होंने हमारे साथ मिलके देखा। प्रेरणा स्रोत चीज़ें आज भी मन की बात में देखने को मिली, और साथ खासकर बहुत खुशी हुई जब एक बार फिर उत्तराखंड उसमें फीचर हुआ, और बहुत ही इनोवेटिव चीज़ बच्चे नैनीताल में कर रहे हैं, घोड़ों की लाइब्रेरी। मुझे तो बहुत ही आनंद आया देखकर। ऐसे बहुत सारी आज प्रेरणा स्रोत कहानियाँ हमको